गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब आज? तो यार एक बहुत दिनों से आपने देखा कोई वीडियो भी नहीं आई है, थोड़ा बिजी था यार। तो एक वीडियो बनाना चाह रहा था, बहुत दिनों से मन था, बट वेट कर रहा था कुछ लॉन्ग टर्म रिव्यू का, टैगन का। 6000 किलोमीटर हो जाए फिर दिखाऊंगा। तो 6 तो नहीं, 58-52 हो गए हैं। तो मैंने कहा यार चलो इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाते हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे जब गाड़ी ली, कौन कौन सी गाड़ी चला के देखी लेने से पहले, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या चाहते थे गाड़ी के अंदर, कौन सी गाड़ी इससे पहले थी, और इसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव थे, और क्या क्या हुआ ये जर्नी जो है पिछले कुछ महीनों की, तो वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ यार। तो भाई इससे पहले मेरे पास थी सियाज डीजल VDI प्लस हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड कह सकते हो आप उसको। उससे पहले थी मेरे पास फिएट पुंटो डीजल। अभी भी डीजल चाहता था बट डीजल ऐसी कोई मिल नहीं रही थी, या जो मिल रही थी वो बजट से बाहर थी। तो गया ड्राइव करने, पहली जो टेस्ट ड्राइव ली वो ली मैंने सेल्टॉस की। है सेल्टॉस आंख बंद करके लोग लेते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। गाड़ी चलाई, ऑटोमेटिक लेना चाहता था मैनुअली, क्योंकि स्विफ्ट मेरी ऑटोमेटिक है, AMT है। ऑटोमेटिक क्या मतलब, AMT है तो ऑटोमेटिक ही चाहिए थी, क्योंकि सियाज मेरी थी मैनुअल, दिक्कत होती थी ट्रैफिक में चलाने में यार। सेल्टॉस चलाई, उतना मजा नहीं आया, सस्पेंशन थोड़ी स्टिफ थी और स्टेयरिंग भी इतना प्रिसाइज नहीं था, अंदर से भी मेरे को नहीं अच्छी लगी यार। पर्सनल जो मेरी वो है, मुझे अंदर से इतनी अच्छी नहीं लगी गाड़ी। चलो पहली ड्राइव थी, चला ली। उसके बाद गए देखने एस्टर का भी आई थी उस समय नई, अच्छी लगी, टॉप मॉडल, बजट में भी था, पेट्रोल में था, बट सस्पेंशन सॉफ्ट थी उसकी, बढ़िया थी, बम्स वगैरह नहीं पता चलते थे, अंदर से बहुत लग्जूरियस थी, फीचर्स भी सारे थे, एडास वडास सब था उसके अंदर। बट उसमें मेरे को पीछे लेगरूम थोड़ा सा कम लगा, प्लस बूट कम लगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी नई गाड़ी से, मैं क्या चाहता था नई गाड़ी के अंदर, पहली चीज़ सेफ्टी। सबसे नंबर वन जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी गाड़ी सेफ होनी चाहिए भाई। सेकेंड रियर लेग रूम, सियाज में रियर जो लेग रूम है बहुत अच्छा खासा, मतलब मेरे ऐसा बंदा भी 6 फुट का भी उसमें लेट के जाता है, 6-2 का बंदा, इतनी जगह थी। बूट भी बहुत बड़ी थी यार उसकी, 2 बड़े सूटकेस आराम से, 2-3 और बैग सब आ जाता था। तो एस्टर में ड्यूरेबिलिटी ठीक थी, दिक्कत थी रियर लेग रूम की और बूट स्पेस की, बूट स्पेस कम था उसका, क्योंकि आयुष को पीछे बैठ लेना यार, तो कंफर्टेबल तो होनी चाहिए ना भाई लॉन्ग ड्राइव में जर्नी। इसलिए एस्टर भी मेरे को, 2 बार गया एस्टर चलाने, 2 बार चलाई बट मेरे को फाइनली हुआ नहीं यार एस्टर नहीं। तीसरी मैंने चलाई कुशाक, कुशाक मुझे अच्छी लगी, बाहर से छोटी अंदर से बड़ी, ड्राइवेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी, स्टेयरिंग भी बहुत प्रिसाइज था यार। फिएट पहले थी मेरे पास डीजल की, तो जिसने फिएट चलाई हो उसको पता है कि जर्मन गाड़ियां क्या होंगी, इटालियन थी वो, बट स्टिल वो DNA वही है, वही DNA कैरी करती है, वॉक्सवैगन स्कोडा सब जितनी भी जर्मन अमेरिकन इटालियन है सब वो कैरी करती हैं, कोरियन और जापानीज नहीं करती उस लेवल में, बाकी करती हैं। तो कुशाक अच्छी लगी, रियर लेगरूम भी बहुत था, बूट भी ठीक है, डिसेंट बूट था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था बट बाकियों से अच्छा था, क्योंकि डीप है थोड़ा सा बूट, तो आराम से आप लगेज अपना डाल सकते हो उसके अंदर, 2 बैग बड़े मैंने देखे आ जाते हैं फुल साइज वाले खड़े करके, और 1-2 और छोटे बैग साइड पे, छोटे मोटे बैग, थैला, बैकपैक वो सब आ जाता है। तो वो अच्छी लगी ड्राइव मेरे को। क्रेटा नहीं चला यार, लुक पसंद नहीं थी, पर्सनल प्रेफरेंस थी, लुक मुझे क्रेटा की नहीं अच्छी लगती, अंदर से भी प्लेन सी थी, मैंने देख ही नहीं चला के। तो आ गया वापस घर, थोड़े दिन बीते, फिर मैंने कहा यार वॉक्सवैगन देखते हैं, मतलब लोग लेते हैं, बट मैंने कभी जिंदगी में वॉक्सवैगन चलाई ही नहीं थी इससे पहले, ऐसे ही मैं कहा चल देख के आते हैं, संडे था, मैं कहा चल साथ में स्कोडा और वॉक्सवैगन हमारे यहाँ साथ साथ में है। वॉक्सवैगन गया, अंदर गया, टाइगन खड़ी थी, मैं कहा दिखाओ यार ट्राई करते हैं इसको जरा, ट्राई करी अंदर से तो गाड़ी अच्छी लगी, ये देखो ना अच्छी है ना, तो अंदर से गाड़ी मेरे को अच्छी लगी थोड़ी सी, मतलब कुशाक से बेटर लगी मेरे को, कुशाक का इंफोटेनमेंट थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, इसका सबल था, बाकी तो सब साइज डायमेंशन सब सेम ही, इंजन भी सेम है, सब सेम है। लेनी थी 1.0 1.5, बजट से थोड़ा बाहर हो रही थी, और 1.0 टर्बो है यार, तो नेचुरल एक्सपेक्टेड जो 1.5 या 1.8 है उस उतनी दे देती है आराम से, उससे बेटर ही चलती है टर्बो के साथ, उससे कम नहीं चलती, क्योंकि RPM जो है ना लो RPM पे उतना टॉर्क निकालती है, वो
पीक आरपीएम पे जाके टॉर्क निकालती हैं उतना, तो यहाँ वहाँ ये बेटर हो जाती है 1.0 थोड़ी सी नहीं बहुत बेटर हो जाती है। और दूसरा ऑटोमेटिक था, टॉक कन्वर्टर आ रहा है इसमें, टॉक कन्वर्टर तो है ही बढ़िया यार, ट्राइड टेस्टेड फॉर ईयर्स है, डीएसजी भी अच्छा है उनका, पेट्रोल में तो बढ़िया काम कर रहा है, किसी को कंप्लेंट नहीं आई अभी तक, सुनी नहीं मैंने ऐसी आई हो तो। डीजल में थोड़ा थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम थी और चीज़ें थी, बट इसमें ठीक चल रहा है, तो फिर फाइनल हुआ यार ये लेनी है। बात हुई डिस्कशन बजट के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, मॉडल के ऊपर, कलर के ऊपर, तो अपने को ग्रे कलर पसंद था, वाइट थी पहले, सिल्वर थी सियाज, फिर उससे पहले वाइट गाड़ियाँ थी, स्विफ्ट भी वाइट है, तो मैंने कहा थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार, गॉन फॉर ग्रे। स्टॉक में भी मिल गई, डिस्काउंट भी अच्छा हो गया। इसमें मैंने 4 ईयर सर्विस और 6 साल की वारंटी ले ली है बंडल करके बीच में, तो अपने को टेंशन नहीं है भाई, 4 साल सर्विस फ्री, जाओ खड़ी करो, सर्विस कराओ और फ्री में आ जाओ, और 6 साल की वारंटी बीच में है। गाड़ी ले ली और अब चैलेंज था नंबर, नंबर में थोड़ा प्रिसाइज हूँ मैं कि नंबर मेरे को कौन सा चाहिए था, बैठे कैलकुलेशन करने, सब कैलकुलेशन करी, सब निकाल निकूल के नंबर ले लिया भाई, मन पसंद नंबर ले लिया जो चाहिए था, 2004। क्यों? आयुष का बर्थ ईयर है ना 2004, इसलिए, तो वो ले लिया 2004 नंबर, गाड़ी भी आ गई, सब कुछ हो गया, गाड़ी ले भी आए, ठीक हो गई है नंबर प्लेट हमारी। ये कोई मार गया था यहाँ पर गाड़ी टर्न करता हुआ, ये भी स्क्रैच आ गए, इधर भी आ गए, नंबर प्लेट भी कवर टूट गया इसका, और टूट गई थी यार, जो आपने फोटो में देखा उसमें वीडियो तो नहीं बनाई थी, बट ये टूट गई थी, तो इसको अब ठीक करा लिया, फिक्स हो गई है जी हमारी नंबर प्लेट बढ़िया से पक्की, तो कवर भी फाड़ गया यार कोई, पूरा आगे का ना गाड़ी का कवर भी फाड़ गया कोई, चलो कोई नहीं, टेप लगा दिया यार उसको, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना रिव्यू। तो भाई आगे टाइगुन क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था क्या है, क्राइटेरिया वही था अपना, माइलेज होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, बूट स्पेस होना चाहिए, लेगरूम होना चाहिए, ड्राइवेबिलिटी, मज़ा आना चाहिए, मतलब आदमी लॉन्ग ड्राइव में भी जाए तो मज़ा आए, तो ले लिया टाइगुन आ गई। तो कुछ दिन के बाद रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार टाइगुन की तो माइलेज ही नहीं है भाई, दिल्ली में माइलेज आ रही है इसकी 6, 7, 7.5 इनिशियल डेज में, मैं कही क्या हो गया यार, ये तो गलती कर दी है, क्या माइलेज दे रही है, पेट्रोल चल रहा था उसमें 98-99, बड़ा वो हुआ यार कि क्या हो रहा है ये। चलो मैं को हो सकता है मेरी ड्राइव में कुछ दिक्कत हो, थोड़ी ड्राइव इम्प्रूव करने की कोशिश करी, पंजा कम दबाया, धीरे धीरे चलाया, नहीं इम्प्रूव हुई, साथ साथ बीच में एक लॉन्ग ट्रिप भी मारा, लॉन्ग ट्रिप में मेरी माइलेज आई ओवरऑल 8 से 9 की, हिल्स नॉर्मल प्लेन सब इंक्लूड था बीच में, तो 8 से 9 की माइलेज आई, मंदा परेशान तो होता ही है यार, नई गाड़ी ले और माइलेज ना आए और ये सब दिक्कत। इन बिटवीन क्या हुआ, इसमें डोर्स में रेटलिंग नॉइस शुरू हो गई, क्योंकि हिल्स में क्या रोड थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ थी, उससे सारे डोर्स में रेटलिंग नॉइस वापस आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि पुराना छकड़ा चला रहा हूँ, हिली पड़ी है गाड़ी पूरी, डन 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 करके आवाज़ आ रही पूरी गाड़ी के अंदर, साथ साथ इसका हॉर्न ऐसा जो बाइक की तरह पी पी पी, और साथ में प्लस पॉइंट क्या हुआ कि डोर का जो विंडो थी हमारी वो ऊपर नीचे होनी शुरू हो गई, अपने आप में ऊपर करूँ वो नीचे चली जाए, रोल डाउन हो जाए ड्राइवर सीट की विंडो, तो ये सारी दिक्कतें आई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आए सर्विस सेंटर गए, तो गए यार आके सर्विस सेंटर गए, बात करी सर्विस सेंटर, डोर्स के लिए तो उन्होंने मेरे को वहाँ पर जो टेप लगाते हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, लिंक्स में डाल दूंगा सारे उसके अंदर, तो डोर्स में तो उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देख रहे हो आप टेप, ये टेप लगा दी चारों डोर्स में, इससे क्या हुआ जो रैटलिंग नॉइस थी हमारी वो ख़त्म हो गई। और हॉर्न के लिए मैंने क्या किया, उनसे बात करी, मैंने सुना था पोलो का हॉर्न बहुत अच्छा है, तो वहाँ पता किया, तो उन्होंने कहा पोलो का हॉर्न में तो और एक्सपेंस भी आएंगे, कपलर्स भी चेंज होंगे, बड़ा कुछ होगा। एक दूसरा हॉर्न था इनके पास ब्लैक कलर का, आई थिंक सब लोग टाइगर में आजकल वही लगवा रहे हैं चेंज करा के, प्लास्टिक की बॉडी थी बट वो घुमा हुआ जैसे होता ना वैसे दो थे, तो वो हॉर्न सुना बहुत मज़ा आया यार, तो वो हॉर्न मैंने कहा रिप्लेस कर दो, हॉर्न की काम हो गया अपना, जो इसकी अपना इसकी थी दिक्कत क्या कहते हैं डोर्स की, वो भी दूर हो गई अपनी, वो भी इशू अपना रिजॉल्व हो गया। अब इसके बाद बारी आती है हमारे
विंडो के लिए, विंडो के लिए उन्होंने कहा जी आप वीडियो बना के लाओ, तब हम कैसे इसको ट्रस्ट करें कि ये हो रहा है। बट मैंने कहा वीडियो तो नहीं बनाई मैंने उस समय, तो इस बीच में मेरी फर्स्ट सर्विस भी हो गई थी, थोड़े रिलेशन भी अच्छे हो गए थे वहाँ पर, जो सर्विस मैनेजर्स थे और वो सब थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देते हैं। उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और मेरी गाड़ी के लिए उन्होंने कहा 1-2 हफ्ते लगेंगे, आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो एक हमारा इशू रिजॉल्व हो गया, एक पेंडिंग था, दूसरा भी रिजॉल्व हो गया हॉर्न वाला। सर्विस कराई गाड़ी, सर्विस क्या जब जाते हैं वॉशिंग तो कर ही देते हैं यार, पैम्पर तो हो ही जाती है गाड़ी, तो वॉशिंग करा के मैं वापस आ गया। चलानी शुरू करी दिल्ली में और चली थोड़ा, एक और ट्रिप मैंने मारा, उसमें मेरी माइलेज थोड़ी सी हाईवे पे, क्योंकि वो स्ट्रेच बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रेच है यार वो, तो ना उस स्ट्रेच पे मैंने अपना गाड़ी चलाई तो मेरे को अच्छी माइलेज आ गई, ठीक ठाक सी आ गई, मतलब ओके टाइप्स। मैं कहा चल ठीक है माइलेज आ रही है, बट सिटी में हूँ तो फिर वही माइलेज 7-7.5। बड़ा परेशान हुआ, बात करी सर्विस सेंटर, फिर गया टेस्ट किया, कंप्यूटर लगाए, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो, कहीं कुछ बग हो, कुछ हो, कोई बग नहीं आया। तो यार हेडलाइट भी चेक करी इस बीच में, हेडलाइट भी अपनी गड़बड़, बीम ही नहीं थी, मज़ा ही नहीं आया था हेडलाइट में, क्योंकि सियाज में तो प्रोजेक्टर लगे हुए थे। तो मैंने कहा यार हेडलाइट की भी दिक्कत है, एवरेज की भी दिक्कत है। मैंने हिसाब लगाया, मैंने 1.5 महीने मैंने 20-22 हज़ार रुपये का तेल भरा दिया 1.5 महीने के अंदर। मैंने कहा यार तो बहुत दिक्कत है, मन खराब हो गया। मैंने कहा यार इसको ना देखते हैं क्या वैल्यू लगती है, इसको निकाल देते हैं, कोई और गाड़ी देते हैं। गलती हो गई, ये बहुत बड़ी गलती हो गई, नेगेटिव होना शुरू हो गया अंदर से चीज़ें, जब नई गाड़ी में दिक्कत हो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आए, फॉरम्स में लोग बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो यार नेगेटिव आदमी हो ही जाता है। बहुत नेगेटिव हो गया गाड़ी को लेके, इसको बेचते हैं।